हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे इंटरेस्टिंग हमारा क्या है सब्जेक्ट, जिसका नाम है टोपोलॉजी। कुछ लोग इसको कठिन कहते हैं, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग हमारा ये सब्जेक्ट है, और आप सभी को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, समझ आएगा। तो बच्चों, हम लोग अपने पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जब इसका सिलेबस देखेंगे, तो आज से 5 साल पहले, या फिर आप ये कहिएगा इसके पहले जो सिलेबस रहे थे 2019 के पहले, जब चेंज नहीं हुआ था, तो हमारा यूनिट नंबर थोड़ा अलग था। यूनिट नंबर फर्स्ट में बहुत सारे टॉपिक थे, अब हम लोगों ने इसको 2 यूनिट में अलग से बांट दिया है। मेरा यूनिट नंबर फर्स्ट जो होगा, यूनिट नंबर क्या फर्स्ट, इसमें मेरे को पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे, हम हमेशा क्या पढ़ेंगे, जो पहले का सिलेबस था वो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट ही था, उसमें मेन टोपोलॉजी स्टार्ट होगा, यूनिट नंबर आपका 2। तो आप इसको 1 बोलेंगे तो भी ठीक है, 2 बोलेंगे तो भी ठीक है ना। इसमें नामकरण में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नंबर तो मेरे को चाहिए अच्छे से, और कहीं से भी आपको क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो ये आपका यूनिट नंबर 2 टोपोलॉजी को समझने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी के लिए, जैसे कि उस पे क्या पॉइंट सेट टोपोलॉजी में बच्चों सेट थ्योरी की इंफॉर्मेशन है, कैंटर थ्योरम क्या है बताएंगे हम लोग, उस पर जो है कार्डिनेटिक के बारे में बताएंगे। कोई आपका कोई सेट है, तो कोई सेट जो है वो फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ये बताएंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट बताएंगे, आप लोगों को वो चीजें जो है एक सेट थ्योरी के इंफॉर्मेशन के तौर पर मिलेगा। तो आपको इस वाले यूनिट पर जो है वो नहीं करना है, आपका कॉपी जो है यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट होंगी, और पहले ये आपका यूनिट नंबर 2 ही हमारा क्या था, मूल क्या था, सिलेबस का हिस्सा था, और ये तो थे, लेकिन उसको हम लोग उतने ज्यादा भाव नहीं दिया करते थे, इसको अलग कर दिया गया है। मतलब यहां से भी अब 16 नंबर क्वेश्चन आता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन आए कहीं से भी आए, हम यहां से पढ़ाई चालू करेंगे, जिसका नाम होगा टोपोलॉजी। ये मेन टोपोलॉजी है बच्चों, ऊपर वाला क्या था, पॉइंट सेट टोपोलॉजी था, ठीक है। तो टोपोलॉजी हमारा सब्जेक्ट का नाम है, और टोपोलॉजी हम यहां से पढ़ना चालू करेंगे। तो टोपोलॉजी क्या है, अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं। सेट थ्योरी की नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए, और बेसिक हमने क्लास लिया था उसमें सेट थ्योरी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। अब सब ध्यान से देखते रहना, टोपोलॉजी क्या है। तो टोपोलॉजी को परिभाषित जब मैं करूंगा, जो मैं यहां पर बोलूंगा उसको अपने दिमाग में सेव करना, पहले अपन रफली समझ लेते हैं। जैसे कि बेटा ये क्या है, मेरा एक नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, बोल दिया लेट, माना कि लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, माना कि एक्स एक क्या है, अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इस नॉन एम्प्टी सेट के बच्चों सबसेटों का कलेक्शन। तो सबसेट कैसा होता है, जैसे कि मैं एक्स पकड़ूंगा बेटा, और यहां पर मैंने लिख दिया ए बी सी, चलिए ये मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, बोलेंगे जी गुरु जी नॉन एम्प्टी सेट है। तो इसके सबसेट कैसे आएंगे, तो सबसेट आएगा, उस सबसेट को निकालते कैसे हैं बोलेगा, तो मैं तुम लोग को निकाल के दिखाता हूं सबसेट कैसे आएगा, है ना। और सबसेटों का बड़ा सा सेट बना दूंगा बाद में, तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाता। सबसे पहला सबसेट क्या आता है, आप बोलेंगे फाई कुछ नहीं, ठीक है। सबसे हर सेट के अंदर क्या होता है, एम्प्टी होता है, कुछ नहीं होता, ऐसा बोलेंगे पहला सबसेट। फिर क्या होता है बच्चों, बोलेंगे सिंगलटन ए, फिर बोलेंगे सिंगलटन बी, एकल समुच्चय कहते हैं, याद रखना है ना। फिर क्या लिखेंगे, सिंगलटन सी, ठीक है। फिर लिखूंगा बच्चों ए बी, फिर क्या लिखूंगा मैं बी सी, फिर क्या लिखूंगा मैं ए सी, ठीक है। एक एक का, पहले तो किसी का नहीं था, फिर एक एक का, फिर दो दो का, फिर क्या करेंगे तीन तीन का, तीन तीन में स्वयं क्या आएगा एक्स ए बी सी। पहले कुछ नहीं, फिर एक को बनाया, एक सेट बना, दूसरा को पकड़ा, दूसरा एक नया सबसेट बन गया, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, सबसेट बोलते हैं, समझ आया। तो कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स के सबसेटों का कलेक्शन, सबसेटों का कलेक्शन बच्चों पूरा लेना जरूरी नहीं है, ये पूरा का जो है कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, पावर सेट कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, पावर सेट कहते हैं, याद रखना, घात समुच्चय। तो सबसेट के सबसेटों का भी एक सेट बना दूं, ये इसका निशान है, जब जब कर्ली ब्रैकेट लगेगा ना समझ आना सेट लिखे करके, बेटा कभी भी सेट में ये वाला ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, समझ आया, ये कलेक्शन का निशान है और यही सेट को बताता है। तो ये सेट था, इसके सबसेट की संख्या कितनी है, गिन के देखिए कितना है, 8।
तो कितना सबसेट निकलता है, कोई पूछेगा तो बोलना 2 की पावर n। 2 की पावर n में मतलब क्या है, जैसे कि किसी सेट में 3 एलिमेंट था, तो 3 की घात में कितना रखा आप लोगों ने, सॉरी 2 की घात में कितना रखा, 3, तो कितना रहेगा 8 आएगा। और 8 कैसे खोजना है, एकदम आसानी से कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए और सबसेट के बारे में समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोगों ने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा होगा मान लो, तो हम क्या करते हैं समझ लेते हैं। ये x है बच्चों, और x के जो है मान लो यहां पर एलिमेंट रख लिया मैंने 1, 2, 3 और 4 कह दिया। अब इसके सबसेट कितने आएंगे कोई बोलेगा, तो एक मोटे तौर पर आइडिया पता होना चाहिए, 2 की पावर कितना, एलिमेंट की संख्या 1, 2, 3, 4 है, तो 4 बोलेंगे, मतलब कितना आएगा 16 एलिमेंट आएगा, है ना, 16 उसके सदस्य होंगे। तो पहला क्या आएगा, कुछ पूछिएगा तो क्या बोलेंगे, पहले तो आप सिंगलटन लिखने से पहले 5 बोलेंगे कुछ नहीं, फिर क्या आएगा सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4 करके आएगा, 4 एलिमेंट ऐसे हो गए, 5 बन गए टोटल करके, ये 4 अलग अलग आते, है ना। इसी प्रकार से कोई पूछेगा तो क्या करते हैं, 1, 2 लिख देते एक बार, फिर क्या लिख देते आप लोग 1, 2 के बाद जो है 1, 3 लिखेंगे, है ना, फिर क्या लिखेंगे आप लोग 1, 4 भी लिखेंगे, है ना, अभी बहुत सारे आने वाले हैं। और क्या आएंगे बच्चों, यहां पर A1 को पकड़ा और बाकी चीज को लिखा है, आप 2 को पकड़िए और बाकी चीज को लिखिए, लेकिन बाकी चीज में A1 और 2 का एक सेट बन चुका है, तो भैया राम शाम कहूं या शाम राम कहूं, 2 बार सेट के नहीं लिखा जाता, तो यहां पर 2 के बाद 1 नहीं लिखना, 2 के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, उसके आगे बढ़ के लिखना, फिर क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, 2 के बाद 4 लिखेंगे, है ना, 2 का 2 के साथ नहीं बोलता बोलना, अरे खुद को खुद में रखेंगे तो कोई सेट थोड़ी ना है वो। फिर क्या करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे और तीसरा एलिमेंट पकड़ेंगे, 3 का किसके साथ करेंगे, 4 के साथ करेंगे बस, ठीक है, 2-2 का इतना ही बनेगा, 6 बनेगा, समझ आया, टोटल कितना हो गया 5, 5 और 6 कितना हुआ, 5, 6, 11 हुआ, और कितना होना चाहिए बोला मैं 16, और अगर कहीं पे कहीं कमी होगा तो वो दिख जाएगा, फट से दिख जाएगा। बच्चों मैं लिखूंगा एक बार 1, 2, 3, फिर मैं लिख रहा हूं 1, 2, 4, फिर मैं लिख रहा हूं यहां पर 1, 2, 3 हो गया क्या, मैं किसको छोड़ा हूं यहां पर, 4 को छोड़ा हूं, यहां पर किसको छोड़ा हूं, यहां पर 3 को छोड़ा हूं। अब मैं यहां से क्या छोड़ दूं बच्चों, मैं छोड़ देता हूं 1 को छोड़ देता हूं, एक एक छोड़ते जाना, चर चर था, तो यहां पर 4 छूटा, यहां पर 3 छूटा, यहां पर किसको छोड़ दो, 1 को छोड़ दो या फिर 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा, 1, 3 और 4, दूसरे वाले में किसको छोड़ दो, दूसरे वाले में छोड़ दो बच्चों 1 को, तो आपका क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, समझ आया, कितना हो गया ऊपर में 5, 5 और ये 11, 12, 13, 14, 15 और अंत में खुद स्वयं x, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, समझ आया। तो ये सबके क्या है, सब सेट है, सेट के जितने भी अंदर से उन्हीं के एलिमेंटों को बनाकर नया सेट बनाते हैं उसको कहते हैं सबसेट। आप सभी जो है बच्चों क्या करेंगे, एक बार सेट थ्योरी अच्छा से पढ़िएगा, और सेट थ्योरी का जो है, जो बच्चे हमारे पास ऑनलाइन या फिर आप लोग भी पढ़ने वाले हो, डबल देखने वाले हो, उसको भूल जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक रहेगा, उस लिंक को आप जाके प्ले कर सकते हो, या फिर आप लोग को अलग से हम उसको देंगे, उसको देखना ध्यान से। मोटे तौर पर सेट थ्योरी, सेट क्या है, सेट की परिभाषा, सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है, इंटरसेक्शन कैसे होते हैं, यूनियन कैसे होते हैं, है ना, जो संघ और आप लोग सर्वनिष्ठ बोला करते थे ना, वो सारे चीजें वैसे ही। तो बच्चों एमएससी में हिंदी भाषी के बच्चे आएंगे, हिंदी मीडियम वाले, तो उनके लिए कठिन नहीं होता, अरे लगभग 95% स्टूडेंट्स हमारे केवल हिंदी मीडियम के होते हैं, और टॉप भी करते हैं, अच्छा नंबर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो घबराना नहीं है कि सर अंग्रेजी हो जाने वाला है करके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो ये क्या आप लोग को मैंने सेट के बारे में अभी बता रहा है, मैं तो टोपोलॉजी गया नहीं हूं, घुसा नहीं हूं, क्यों नहीं घुसा हूं, इसके लिए ताकि एक शब्द आया है, लेट एक्स क्या है, बी नॉन एम्प्टी सेट, है ना, फिर हमने लिखा है नॉन एम्प्टी सेट है, फिर हम बोला कि अ कलेक्शन, एक कलेक्शन, वो कलेक्शन क्या है बच्चों, ऐसा टाउ, इसके अंदर सबसेटों का कलेक्शन होगा उसको कहूंगा मैं टाउ। और ये मत बोलना कि इसके अंदर में ये सबको लिखना है, मेरा मर्जी, मैं कुछ को चुनाव करूंगा, फिर से याद रखना, ये नॉन एम्प्टी सेट और ये उनके क्या है, सबसेट, समझ आया, समझते रहना प्रिया, देखते रहना, ये नॉन एम्प्टी सेट है और ये उसके सबसेट्स हैं। अब उसके सबसेटों का क्या बोला मैंने, कलेक्शन, संग्रह, और उस कलेक्शन में कुछ भी हो मेरे को पता नहीं, अभी कुछ रखूंगा। तो यहां पर हमने लिखा टोपोलॉजी होने के लिए किसको, सबसेटों के कलेक्शन, कौन से सबसेट, ये सबसेटों के कलेक्शन, कुछ भी उठाऊंगा यहां से, इसके अंदर हो सकता है कुछ उठाने वाला हूं, अभी मैं नहीं बताऊंगा, और यहां पर मैं पहले कवर करता हूं। मैंने बोला x क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और इसके सबसेटों के कलेक्शन जिसे हम टाउ कह रहे हैं, इस टाउ को, और टाउ को बेटा ऐसे ही बनाना आप लोग, है ना,
बन जाएगा धीरे धीरे। ये टाउ जो है एक्स के सभी सबसेटों का नहीं होगा, जरूरी नहीं है, सभी का भी हो सकता है और कुछ का भी हो सकता है। तो कुछ सबसेटों को उठाएंगे और उनका कलेक्शन बनाएंगे और उन कलेक्शन, ये कलेक्शन जो बना हमने, ये कलेक्शन विचारे को ही टोपोलॉजी कहते हैं। दिस कलेक्शन इज सेट टू बी टोपोलॉजी। एक्स क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। ये क्या है? कलेक्शन। दिस कलेक्शन इज सेट टू बी टोपोलॉजी कहा जाएगा। एक कलेक्शन को क्या कहा जाएगा? टोपोलॉजी कहा जाएगा। कहां पर? ऑन एक्स, इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, उस कलेक्शन के पास हमेशा क्या होना चाहिए? एम्प्टी सेट एंड होल स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एंड करके, क्या लिखेंगे? एंड होल स्पेस भी होना चाहिए उस किसके पास? उस कलेक्शन के पास। पहला कंडीशन होना चाहिए तो आप आगे बढ़ेंगे टोपोलॉजी बनाने के लिए, है ना। अभी केवल और केवल टोपोलॉजी को अच्छे से समझेंगे, देन आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा कंडीशन बच्चों, कई बार जो है इसको नहीं लिखते, चलो मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, छोड़ दो उसको, मैं इतना बोलूंगा कि टाउ, ये क्या है, मान लो टाउ के पास एक जो है सेट क्या है, जी वन है, दूसरा क्या है आपका जी टू है ना। देखते रहना अच्छे से, अभी कोई मत लिखना, है ना। क्या बोला? G1 और G2 क्या है? दो सेट है। आप सबको बेटा मिलेगा, YouTube में ही मिलता रहेगा, टेंशन मत लेना, अच्छे से बनाना कॉपी को। क्या बोला? माना कि G1 और G2 दो सेट हैं, किसके अंदर? इस टाउ के अंदर, या टी, कई लोग टी बोलेंगे, टाउ बोलना आप लोग, टी या टाउ कोई भी बोला जा सकता है। तो ये जो दो सेट्स हैं, तो इन दो सेट का इंटरसेक्शन भी करूंगा तो भी कहां पर आना चाहिए? उसी टाउ के अंदर आना चाहिए, उसी टी के अंदर आना चाहिए। कई बार टोपोलॉजी को टी बोलते हैं, कई बार टाउ बोल देगा, फर्क नहीं पड़ता बच्चों, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? जब जिस चीज से किसी चीज को उठाएं और उसी पर ऑपरेशन करके डालें, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्ध है कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं हिंदी में? समृद्ध है। कौन समृद्ध है? टोपोलॉजी समृद्ध है बोलेंगे। हालांकि टोपोलॉजी नामकरण किया नहीं है, जब तीनों गुण आ जाएगा तब टोपोलॉजी कहा जाएगा। किसको? उस कलेक्शन को, है ना। एक बार हम रिवीजन करने वाले हैं, सबको एक बार समेटने वाले हैं। पहला गुण क्या बोला मैंने? उस कलेक्शन के पास फाइव होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। दूसरा गुण क्या कहा हम लोगों ने? अगर दो सेट हम जी वन और जी टू लेते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए? उसी के अंदर होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? जहां से आपने उठाया, जैसे कि एक्स से कोई चीज उठाते हो, दूसरा चीज भी वहां से उठाते हो और दोनों मिला के भी उसी एक्स पर लाते हो, तो हम बोलते हैं कि एक्स जो है क्लोजर है। किसके अंदर? उसके ऑपरेशन के कारण से। तो टाउ इज क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? फाइनाइट इंटरसेक्शन। टाउ इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। इन फाइनाइट चीजों को इंटरसेक्शन नहीं करेंगे बच्चों। हो सकता है ऐसा होता, तीन होता, G1 और एक G2 भी होता और एक क्या होता? G3 भी होता। तो मैं क्या कहता बच्चों, मेरा जो है सबसे पहले आएगा G1 इंटरसेक्शन क्या G2, फिर जो आंसर आएगा उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? G3 के साथ, है ना। तो इसको बोलते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ओके, शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग क्या? एफ, है ना, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। हालांकि जो है आगे अपने खुद गुण को लेकर चलेगा, है ना, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। आप लोग को हमने बीएससी भी ये प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते थे, है ना। आप लोग को बोलजानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी भी याद होगा बच्चों। अगेन रिपीट होंगी, फिर से मैं चीजों को रिपीट करने के लिए आगे आऊंगा। क्या ये चीजें समझ आई? एक्सेप्ट कर लो बेटा, क्योंकि दो तीन बार में समझ आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं। टोपोलॉजी ये जो बनाने वाले थे, इस टाउ को क्या होना पड़ेगा? क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, ऐसा बोलेंगे तो भी वही है, दैट इज करके लिखा हम लोगों ने। माना कि आपके पास G1 भी होता टाउ के पास और G2 भी होता, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए? उसी टाउ के पास होना चाहिए। बच्चों वेरी IMP पहला प्रश्न यही बनता है, व्हाट इज टोपोलॉजी? याद हो जाएगा, लिख लेंगे। बीएससी की तुलना में कम से कम तीन गुना सरल है MSc, याद रखना, पक्का है, गारंटी है। जितना आप लोग नंबर लाते थे ना, उससे ज्यादा नंबर लाएंगे और अच्छा नंबर लाएंगे, टॉप भी करेंगे आप लोग, है ना। तो निश्चिंत होकर पढ़ेंगे। दूसरा मैंने लिखा है टाउ इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्ररी यूनियन। आर्बिट्ररी यूनियन, तो आर्बिट्ररी शब्द क्यों आया मैं समझा रहा हूं, या फिर आप ऐसे बोलेंगे G लैम्डा। जी लैम्डा का अर्थ होता है बच्चों, लैम्डा जहां लिखा रहेगा समझना इंडेक्स लिखा है। इंडेक्स मतलब क्या है? इच्छा। इंडेक्स मतलब क्या है? इच्छा। जी लैम्डा बोलूंगा और यहां पर लिखेंगे लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। आपको याद होगा मैं आप लोग को जो पहला पेपर पढ़ा था बार बार ऐसा बोलता था, इसका अर्थ यह है मैं G1 भी उठा सकता हूं, मैं यहां से G2 भी उठा सकता हूं, मैं यहां पर G3 भी उठा सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, ठीक है। मैं आप लोग को भी ओपन सेट क्लोज सेट नहीं बोला हूं। क्यों नहीं बोला हूं? क्योंकि अभी ओपन सेट और क्लोज सेट बोलना मूर्खता के कैटेगरी में आएगी। मैं ओपन सेट का मतलब समझाने वाला हूं बाद में जाकर, व्हाट इज ओपन सेट, अभी मैंने क्यों परिभाषा नहीं लिखा, इसके पीछे रीजन है।
मैं टोपोलॉजी पढ़ाऊंगा, फिर ओपन सेट बोलेंगे, उसके कारण से मेरे को इंटीरियर पॉइंट समझ आएगा, नेबर रूट समझ आएगा, इसलिए उसको बाद में ही कहा जाए। ठीक है, सेट थ्योरी में ओपन सेट क्लोज सेट पहले नहीं बोलना है आप लोग को। ओके, तो देखिए हमने क्या लिखा कि टाऊ जो है क्लोज्ड अंडर होगा आर्बिटरी यूनियन, इट मींस दैट मेरा मर्जी का मैं इसका यूनियन इसके साथ कर दूं, या फिर मैं इन दोनों का पहले कर दूं, या फिर इन दोनों का पहले कर दूं, या फिर किसी और के साथ मैं कर दूं, मैं यूनियन कहीं से किसी को कर सकता हूं। समझ आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन कहीं से किसी भी के साथ किया जा सकता है, और आर्बिटरी बहुत सारे चीजों को यूनियन करते करते जाते हैं, कई बार अनंत तक करना पड़ता है, हम लोग देखेंगे अभी हमारे पास अगर इनफाइनाइट सेट होगा तो इन अनंत तक भी करते रहते हैं, हालांकि अभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है, तो इसको हम आर्बिटरी यूनियन इसलिए कहते हैं। समझ आया ना, तो क्या हुआ मतलब, अगर देखो आप कुछ भी लेंगे, इसका अर्थ ये है कि जीवन अगर मैं लेता हूं बच्चों और यूनियन कर देता हूं किसके साथ, G2 के साथ, कहां से लिया जीवन को, मैं बोलूंगा जीवन को लिया है मैंने किससे, ऐसे करते करते मैं इसको ऐसे लिखता हूं, डेस डेस जी लैम्डा लिख देता हूं, कुछ भी लेता हूं, कहां पे लेता हूं, कुछ भी टाउ के अंदर लेता हूं, तो इनका यूनियन भी कहां पर आना चाहिए, टाउ के अंदर आना चाहिए, किसके अंदर आना चाहिए, टाउ के अंदर आना चाहिए, इस प्रकार से जीवन G2 को बोलू, और इसी कारण से इसको आगे बढ़ा के हम लोगों ने क्या लिख दिया है, यूनियन सर यूनियन ना, ऐसे जीवन G2 बोलने से अच्छा नहीं लगता, आप यहां से कुछ भी उठा सकते थे, और ये लेमडा बिलोंग्स टू क्या होता है, इंडेक्स होता है, इसलिए जो है ये शब्द ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब हम एक लाइन में रिपीट करते हैं और समझना, आप इसको रिविजन करते हुए जाएंगे बच्चों, एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, अ कलेक्शन tau is said to be topology on X if it satisfies following condition, first condition है 5 भी होनी चाहिए, लिख लिया आप लोगों ने, और X भी होना चाहिए, ये भी लिख लिया आप लोगों ने, दूसरा क्या होगा कि अगर जीवन G2 उठाया जाए तो उनका intersection भी आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में, tau is closed under finite intersection, right? दूसरा के बाद तीसरा कंडीशन हमारा क्या होगा, अगर मैं जीवन G2 को लेता हूं तो यूनियन भी आना चाहिए, ये कहना है, और यूनियन कितना भी कर सकता हूं, इसलिए शब्द क्या आ गया, आर्बिटरी यूनियन, आर्बिटरी का शब्द चिपका दिया, इसके अंदर एक नहीं है बच्चों, ये बहुत सारा है, जीवन G2 G3 जिसका भी यूनियन कर ले, सही बात है वरुण, समझ आया, समझ आया बेटा, धीरे धीरे सबको समझ आने वाला है, और बार बार इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे आप लोग। अच्छा, ये टोपोलॉजी ऑन एक्स है, कौन, टाउ इज सेड टू बी टोपोलॉजी ऑन एक्स, एंड हमारे पास पेयर बनेगा किसका, नॉन एम्प्टी सेट एक्स और उस टोपोलॉजी, क्या बोला, नॉन एम्प्टी सेट एक्स टुगेदर विद टोपोलॉजी इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, क्या, टोपोलॉजिकल स्पेस किसे कहते हैं बोलेंगे, तो क्या परिभाषा लिखेंगे, अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स टुगेदर विद टोपोलॉजी, या फिर बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट एंड टोपोलॉजी, है ना, इनके पेयर को कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस, तो हमने यहां पर लिख दिया आपको समझाने के लिए, द पेयर, पेयर किसका, नॉन एम्प्टी सेट और जो है टोपोलॉजी डिफाइन किया, वो दोनों मिला के जब ये स्पेस बनता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं बेटा, क्या आप सभी को याद हो गया अच्छे से, पक्का कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। अब हम लोग आपको टोपोलॉजी बनाना सिखाएंगे, तीन गुण होना चाहिए बोला, और मैं कुछ कुछ लिखूंगा, आप लोग ध्यान से देखना और टोपोलॉजी कौन है कौन नहीं है समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग, है ना, जैसे कि मैं एक कलेक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है मैंने कहा टावन, और टावन है बच्चों मैंने लिखा है ये एक्स और ओनली यहां पर क्या है 5x, कुछ भी लिखूं, क्या ये कलेक्शन है, बोलेंगे सर हाँ कलेक्शन है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, सबसेटों का कलेक्शन है, तो बोलेंगे हाँ इसने कहा है कि एक्स के कोई भी सबसेट का कलेक्शन बोलो सर, वो कलेक्शन टोपोलॉजी कहला सकते हैं यदि कुछ गुण को रखे, ये तीन गुण होना चाहिए, तो पहला गुण जो है बच्चों क्या होना चाहिए था, पहला गुण ये होना चाहिए था कि 5 भी कहां पर होना चाहिए, टावन के पास, अब टावन क्यों बोले मत बोलना, अरे मेरा नाम है मैं कुछ भी बोल सकता हूं, टावन बोलूंगा टोपोलॉजी ही तो कहना था, तो अलग प्रकार से बोल रहे तो टावन बोल दिया, तो टावन टोपोलॉजी है या नहीं है, कोई भी कलेक्शन को टोपोलॉजी कहा जाता है, नामकरण से फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, इसके पास एक्स भी है, मतलब पहला कंडीशन तो ये वेरीफाई कर रहा है अच्छे से, क्या कर रहा है ये अच्छे से सेटिस्फाई कर लिया, पहला वाला आपका जो है निकल लिया, है ना, दूसरा वाला सोचना है आपको, प्यारे बच्चों क्या इनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, बोलेंगे करता है सर, ये जीवन हो गया ये G2 हो गया, दो सेट, पहला सेट को जीवन कहा जाएगा, दूसरा को G2 कहा जाएगा, तो दोनों का जब बेटा मैं इंटरसेक्शन करूंगा, फाई इंटरसेक्शन एक्स की जो क्वेश्चन क्या आएगा, फाई, क्योंकि कुछ नहीं को किसी के साथ इंटरसेक्शन करने से क्या आता है, कुछ नहीं आता है, तो कुछ नहीं आया, और अगेन ये टाउ पर ही है कि नहीं, तो देखो टाउ पर ये वाला कंडीशन भी होल्ड हो रहा है, दो चीजों का इंटरसेक्शन भी क्या आ रहा है, उसी टाउ के अंदर घूम के फिर आ गया, जिसके अंदर से लिया था उसी के अंदर चीजें आ जानी थी,
तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा। तीसरा कंडीशन कर देंगे आप लोग, तीसरा कंडीशन में क्या है, पहला सेट जीवन है आपका, एक ही तो सेट है, और दूसरा सेट क्या है आपका, एक खुद है ना, और इनका क्या है यूनियन करने से कुछ नहीं को एक समय मिलाने पर, यूनियन का मतलब होता है आप हिंदी में कहा करते हैं संघ, तो यूनियन कर देने से क्या हो जाएगा ये चीजें, एक्स में खाली चीज को मिलाने से एक्स एक्स ही रहता है, तो खुद कहां पर था ये, टाऊ के पास था कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो है घबराना नहीं कि आप ऐसे बना रहे हैं, तिरछा बनाता हूं तो ऐसे लिखता हूं, आप लोग जो है थोड़ा ठीक ठाक बनाना बच्चों ऐसे करके, है ना, ये टोपोलॉजी में टाऊ को ऐसा या फिर जो है टी ही कह देना, लेकिन टी नहीं लिखा रहता पुस्तक में, इसलिए ऐसा लिखना ज्यादा अच्छा है। ओके, तो ये टोपोलॉजी हुआ कि नहीं प्यारे बच्चों, टोपोलॉजी है कि नहीं, ये आ गए समझ, टोपोलॉजी है। अच्छा और बताएंगे आप लोग, है ना, अभी और टोपोलॉजी बताएंगे, और मैं इसको मिटाता हूं, अभी आप लोग को यहां लिखना नहीं है, याद रखना, ठीक है। ओके, एक हो गया टोपोलॉजी, समझ आ रहा है, फिर आप लोग को खुद टोपोलॉजी बनाने के लिए कहा जाएगा, आप लोग बनाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिएगा मैं फिर टोपोलॉजी बना रहा हूं, फाई को रखना ही रखना है, एक्स को रखना ही रखना है, फाई के बाद ओनली मैं सिंगलटन सेट ए रखता हूं और फिर एक्स रखता हूं, टोपोलॉजी है कि नहीं, चेक कर लीजिए सारे तमाम इसके जो गुणधर्म है सेटिस्फाई कर पाया कि नहीं करके, ठीक है। ये टोपोलॉजी है, बोल रहा हूं याद रखना, ठीक है। कैसे हुआ टोपोलॉजी, ध्यान से देखो, पहला कंडीशन तो फाई और एक्स होना चाहिए, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, किसी का किसी के साथ इंटरसेक्शन, ये फॉर आल होता है याद रखना, फॉर एनी दो सेट अगर कोई भी लूंगा तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसी के अंदर आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, कोई इसका मैं इसके साथ इंटरसेक्शन करूंगा, क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन से आएगा, मैं रफ में लिख रहा हूं याद रखना, आएगा वो आएगा फाई, क्योंकि कुछ नहीं को किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करने से क्या आता है, कुछ नहीं आता है भाई। तो आप क्या बोलेंगे, फाई आया सर, जो कि टाउ में था। इसका इसके साथ करेंगे तो भी क्या आएगा, फाई इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे आप लोग, एक्स, तो भी क्या आएगा, फाई जो कि टाउ में था ही था, है ना, मतलब इंटरसेक्शन के रूप में आ रहा है। अगेन किसी ने कहा कि और तो कर सकते हो करके, चलो सिंगलटन ए का कर दो किसके साथ, एक्स के साथ, है ना, बोलेंगे इसके साथ हो चुका है फाई के साथ ए का, एक्स का फाई के साथ हो चुका है, तो किन दो चीज को बचा, एक तो ए का और एक तो एक्स का, दोनों का इंटरसेक्शन से क्या आएगा, सिंगलटन ए आएगा। वाई, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए बी सी था, और उसके अंदर से कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे, सर्वनिष्ठ निकालेंगे, या फिर इंटरसेक्शन कहेंगे, सबका मतलब एक ही है। तो जो बेटा दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो यहां पर ए कॉमन है, यहां पर ए है, तो इंटरसेक्शन में क्या निकलेगा, ए निकलेगा। अगर यहां पर ए बी होता तो क्या लिखते आप लोग, ए बी आया सर बोलते, तो आपका ये हो गया क्या, फिर भी कहां पर चला गया, टोपोलॉजी, जहां से उठा था वहीं अंदर में घूम के आया कि नहीं। तो ये इंटरसेक्शन वाला प्रॉपर्टी भी हमारा सेटिस्फाई हो गया बच्चों, तो मैं बोलूंगा कि ये प्रॉपर्टी भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, सही बात है कि नहीं। दूसरा प्रॉपर्टी जो है और मैं लिखना चाहता हूं, तो मेरा एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी सब हो गया, तो मैं तीसरा प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा बोल रहा हूं। मैं इसको इसके साथ यूनियन करूंगा क्या आएगा, फाई को एक साथ यूनियन करूंगा क्या आएगा, सिंगलटन ए ही रहेगा, जिस पर मिलेगा सबसे बड़ा आएगा, मतलब फिर से कहां पर गया, उसी टाउ के अंदर गया। मैं इसको इसके अंदर यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, मैं बोलूंगा एक्स ही रहेगा सर, मतलब क्या है, किसी का किसी के साथ यूनियन करो, इसको इसके साथ करो तो भी इसी के अंदर रहेगा, इसको इसके साथ करो यूनियन तो भी इसी के अंदर रहेगा, मतलब तमाम प्रकार के सारे गुण को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये टोपोलॉजी है, ठीक है। अब आप लोग अपना कॉपी में लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे, सोचते जाएंगे कौन टोपोलॉजी है कौन टोपोलॉजी नहीं है। मैं लिख रहा हूं बच्चों बहुत सारे चीजें, यहां पर देखो एक सेट के अंदर कितने सारे टोपोलॉजी बन सकते हैं बोलेंगे, तो बोलना सर हो सकता है कि अगर सेट बहुत बड़ा है तो ना जाने कितना बन जाए, लेकिन परिमित मात्रा में बनेगा, फाइनाइट बनेगा, देखते हैं क्या क्या बनेगा, और आप लोग चेक करते जाएंगे कौन टोपोलॉजी है कौन नहीं है करके, है ना। ये तीसरा नंबर, और मैं लिख रहा हूं बच्चों फाई ए बी एक्स, फिर मैं लिख रहा हूं आप सब चेक करेंगे, है ना, अभी करते रहो दिमाग लगाते रहो, फिर फाई एक्स, फिर लिखा मैंने ए, फिर लिखा मैंने सी, फिर लिख दिया ये खत्म। आगे पीछे एक्स को लिखने से फर्क नहीं पड़ता, है ना, मैं कहीं भी लिख दूंगा, आप लोग डरना नहीं। और यहां पर लिख दिया मैंने ए बी और लिख दिया मैंने एक्स, 5 6 ये 7 नंबर का है ना, फटाफट कीजिएगा कौन टोपोलॉजी है कौन नहीं है, चेक करेंगे आप लोग। एक ही
थ्री सेट और कितने सारे मैंने टोपोलॉजी बना दिया। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा आपका चार नंबर एक ही दिन से ही समझ आ जाएगा आपको। पेपर में 16 नंबर का यूनिट होता है, आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा और फट से टिक मारेंगे। लिख रहे हो ना सब लोग? हाँ, आगे लिखते रहो बच्चों। और मैं क्या लिख दूं यहां पर, ए बी बी सी, फिर भी लिख दिया मैंने यहां पर सिंगलटन बी और फाई को भी मिला लेता हूं, और यहां पर लिख दिया मैंने एक्स को। चलिए फिलहाल तो बहुत सारे बनने वाले हैं, मैं इतना आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, और आप लोग को क्या करना है बताना है कि ये टोपोलॉजी है या नहीं। हम केवल अभी टोपोलॉजी के परिभाषा पर ही बात कर रहे थे, और ये मैंने अलग से और लिख दिया है उसी चीज को, टोपोलॉजी का परिभाषा ये इस प्रकार से, नॉन एम्प्टी सेट एक्स टुगेदर विथ देयर टोपोलॉजी इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, ऐसा करके तो भी ठीक है। ओके, आप लोग इस एग्जाम्पल को बनाइए, फिर हम आगे अपना बढ़ेंगे इधर। तो आप लोगों ने जो आंसर दिया है बच्चों, उसी आंसर को हम लोग पकड़ेंगे, और इधर मैं, मेरे को मिटाना नहीं है। ठीक, देखना, ये मेरा नॉन एम्प्टी सेट था, ये मेरे पावर सेट के रूप में बनाया ताकि मैं जो है सबसेट उठा सकूं इसके अंदर से करके। बनाते नहीं है लेकिन अपन करेंगे, ठीक है। जब तक कॉन्सेप्ट समझ ना आ जाए बाकी चीज को पढ़ना एकदम बेकार होगा, अनर्थक होगा, इसलिए पहले टोपोलॉजी पढ़ाया। और टोपोलॉजी मेरे को हर हालत में समझ आना चाहिए, दुनिया कोई ताकत मेरे को और कभी जो है रोक ना सके टोपोलॉजी को समझने में, केवल और केवल डेफिनेशन को। पहला वाला टोपोलॉजी है, मैंने बताया था बच्चों, याद रखना, ऐसे टोपोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। नाम याद रखना, जिसमें ऐसे टोपोलॉजी जिसमें केवल फाई और एक्स हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। बेटा ये खुद टोपोलॉजी ही एक ठो, सबसे बड़ा टोपोलॉजी कौन है बोलूंगा, इसी को मैं टाउ बोल देता हूं, ये मेरा टाउ है बोल दूंगा मैं, टाऊ है, या फिर इसी को मैंने बोल दिया पीएक्स। देखो मैं किसी का किसी के साथ इंटरसेक्शन कर दूं, मेरे को इसी के अंदर चीज मिलेगा। मैं इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करूंगा, फाई का किसी के साथ करूंगा तो फाई तो रहता ही है, तो उसी के अंदर आएगा गारंटी। इसलिए आपका इंटरसेक्शन में और आगे बढ़िए, ए का इनके साथ इंटरसेक्शन कीजिए सिंगलटन के साथ करेंगे तो फाई ही आएगा। ए का मैं इंटरसेक्शन करूंगा बी के साथ क्या आएगा, फाई आएगा। ए का मैं करूंगा सी के साथ क्या आएगा, फाई आएगा। ए बी का करूंगा फाई आएगा, ए सी का करूंगा फाई आएगा। तो ये तो हो रहा है, आप किसी का कर दो, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे क्या आएगा, ए आएगा। इसका इसके साथ करेंगे क्या आएगा, फाई आएगा। इसका इसके साथ करेंगे क्या आएगा, ए आएगा, मतलब इसी के अंदर ही आ रहा है। मैं इसका करूंगा इसके साथ क्या आएगा, बी आएगा। इसके साथ क्या आएगा, बी आएगा। इसके साथ क्या आएगा, फाई आएगा। जो कॉमन होगा उसी को इंटरसेक्शन में लेते हैं हम लोग। तो इसको करूंगा तो इसके साथ सी आएगा, इसके साथ क्या आएगा, सी आएगा, और इसके साथ क्या आएगा, फाई आएगा। मतलब इंटरसेक्शन किसी भी तरीके से कर लो, इंटरसेक्शन हर बार में आएगा ही बच्चों। अगर इसके एक्स के साथ किसी का इंटरसेक्शन करोगे तो एक्स सबसे बड़ा सेट है तो उसके अंदर से खुद को निकाल के आता है इंटरसेक्शन में। ए का इंटरसेक्शन करोगे इसके साथ क्या आएगा, ए ही आएगा। इसको करूंगा क्या आएगा, बी ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ए बी है, उसको अपन खुद निकाल लेगा इंटरसेक्शन में। सी को करूंगा तो क्या आएगा, सी ही आएगा। ए बी को करूंगा तो क्या आएगा, एक्स के अंदर से ए बी ही आएगा। BC को करूंगा तो क्या आएगा, BC आएगा। AC करूंगा तो AC आएगा। ये सब इंटरसेक्शन में आ रहा है, यूनियन भी करेंगे बच्चों, किसी का किसी यूनियन करो, सबसे बड़ा सेट X है, X से बड़ा कुछ नहीं बनने वाला। बात क्लियर है? इसका इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, A इसी के अंदर है। इसका इसका करेंगे तो क्या आएगा, AB इसी के अंदर है। इसका इसका करेंगे तो क्या आएगा, BC इसी के अंदर है। इसका इसका करेंगे तो क्या आएगा, AC इसी के अंदर है। सबको एक साथ करेंगे तो क्या आएगा, ABC X इसी के अंदर है। इसका करूंगा दोनों का तो क्या आ जाएगा, ABC इसी के अंदर है। इनका करेंगे तो क्या आएगा, ABC इसी के अंदर है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा टोपोलॉजी अगर कहीं बनता है किसी सेट के लिए, वो कौन होता है, उसका पावर सेट। पावर सेट में मतलब क्या, अगर तीन एलिमेंट है तो आठ उन सबसेट के साथ टोपोलॉजी बनेगा वो, समझ आया? तो ऐसे टोपोलॉजी क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये क्या है मेरा, जिसमें ओनली फाई हो और क्या हो, एक्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी करके। इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि परिभाषाओं में पुस्तक के साथ में नोट्स के साथ में सारी चीज मिलेंगे, आपको याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां पर परिभाषाओं के तौर पर हम लोग उसको लिखने वाले हैं बच्चों, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है, सब चीज हम क्या करेंगे यहां पर बताने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो ये तो मेरा टोपोलॉजी दो तो दिख ही रहे मेरे पास, ये टोपोलॉजी हमने बता दिया था, ये यहां टिक मारना चाहिए, ये टोपोलॉजी है, ठीक है। अब ये टोपोलॉजी है या नहीं है तो देखिए बच्चों, इंटरसेक्शन तो एग्जिस्ट करेगा। पहला कंडीशन क्या होता है, फाई होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, है मेरे पास फाई और एक्स, क्या है यहां पर, है। ओके, अब मेरे को इंटरसेक्शन देखना चाहिए, किसी का इंटरसेक्शन फाई के साथ करने से फाई होता है तो वो तो होगा। ए का इसके साथ करूंगा तो फाई आएगा, ए का इसके साथ करूंगा तो ए रहेगा, ए का एक्स के साथ करूंगा सॉरी ए रहेगा, बी का करूंगा तो बी रहेगा। इन दोनों का करने से फाई, इनका इनके साथ करने से वो खुद, है ना? बस क्लियर, इतना तो इंटरसेक्शन होगा यार, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में तो हर तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब दूसरा गुण आ गया, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। यूनियन करके देखिए यहां पर, बेटा ए और बी का यूनियन ए बी आना चाहिए था, इसके अंदर क्या आना चाहिए था, ए बी।
तो देखो मैंने क्या लिखा है, दो चीज का अगर यूनियन करेंगे तो यूनियन भी क्या आना चाहिए उसी के अंदर। अगर मैं ए को उठाया इसके अंदर से, मैंने बी को उठाया इसके अंदर से, तो क्या है यहां पर ए बी तो नहीं है। तो मतलब ए का यूनियन बी के साथ बिलोंग नहीं किया टोपोलॉजी पर, जी1 यूनियन जी2 बिलोंग नहीं किया टोपोलॉजी पर, जिसे टोपोलॉजी कहना चाहता हूं, सॉरी टोपोलॉजी पर नहीं कलेक्शन पर, तो ये कलेक्शन टोपोलॉजी नहीं होगा क्योंकि तीसरा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो क्या समझ आ रहा है आप लोग को, तो ये टोपोलॉजी नहीं है बच्चों। अगर इसी के जगह मैं एक्स को हटा देता, एक बार और लिख देता, मैं ए बी लिख दूं बच्चों, अब मेरी टोपोलॉजी है। क्यों? क्योंकि अब आ गए यहां पर यूनियन, मेरे प्यारे बच्चों समझ आया, आ गए, ये टोपोलॉजी नहीं है बोलना है आप लोगों को, ठीक है। मैं तो इसको लिख देता हूं ऐसा, दे सकता है ऐसा, ये टोपोलॉजी नहीं है। क्यों? जब दो सिंगलटन सेट हो उनका यूनियन एग्जिस्ट ना करे टोपोलॉजी नहीं है बोल देना, दो अलग अलग सिंगलटन सेट ही मौजूद रहे तो हमेशा टोपोलॉजी नहीं होता हो, क्योंकि एसी का यूनियन आना चाहिए एसी इसके अंदर ही है, बोलेंगे नहीं है सर, इसलिए टोपोलॉजी नहीं है बोलेंगे बच्चों, ठीक है। इसके अंदर पकड़ेंगे ये टोपोलॉजी है कि नहीं, बोलेंगे है सर। जब भी फाई हो, एक्स हो और कोई तीसरा सेट हो, कोई तीसरा सेट, केवल तीन मेंबर से जितने भी हम कलेक्शन बनाएंगे सब चीज टोपोलॉजी होगा। सब चीज क्या होगा? टोपोलॉजी। इसके अंदर एबी की जगह एसी ले लो, एसी की जगह तुम आप कुछ भी और ले लो। क्यों? देखो इंटरसेक्शन करके देखो, पहली बात तो फाई और एक्स है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। आप करके देखो इसके साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो खुद ही आएगा एबी, यही इनका इनके साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। इनका इनके साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। हर तरीके से इंटरसेक्शन सेटिस्फाई होगा। अब यूनियन करने के बाद इसको इसके साथ यूनियन करूंगा, मिलाऊंगा ए बी रहेगा, इसको इसके साथ मिलाऊंगा क्या रहेगा, एक्स रहेगा, हो तो गया। तो जब भी कोई अंदर में कोई सेट एक अलग से रहे फाई और एक्स के अलावा, ये एक सेट है बेटा याद रखना, कोई भी एक कलेक्शन जिसमें कुल मिलाकर तीन सेट हो, जिसमें से एक फाई हो और एक्स एक क्या हो, एक्स हो, और उसके बाद कोई तीसरा यहां पर रहे, हमेशा टोपोलॉजी बनेगा। आंख बंद करके टिक मार देना पेपर में, ठीक है। यहां पर मैं ए रखूंगा तो टोपोलॉजी था, मैं बी रखूंगा तो क्या होगा, टोपोलॉजी होगा, सी रखूंगा क्या होगा, टोपोलॉजी होगा। आप लोग कर सकते हो, कंडीशन लगा देख सकते हो, मैं बी सी रखूंगा तो क्या होगा, टोपोलॉजी होगा, ए सी रखूंगा क्या होगा, टोपोलॉजी होगा, क्योंकि किसी के साथ किसी का इंटरसेक्शन कर लो अंदर में। इसको हटा के बोल रहा हूं बेटा, जब जब तीन सेट होंगे अंदर में कलेक्शन में, फाई होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, उसके बाद कोई तीसरा कुछ भी उठा लो इसके अंदर से, क्या होगा, हमेशा वो टोपोलॉजी होगा। तो क्या पकड़ पाए इसको, तो ये टोपोलॉजी है, ठीक है, ये टोपोलॉजी नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बार तो फाई ही नहीं है, बाकी चीज को छोड़ दो, तो ये टोपोलॉजी नहीं है। इसके पास जाइए, टोपोलॉजी है क्योंकि तीन सेट दिख रहे अंदर में, एक तो कुछ भी रहे, एक फाइव होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए और बाकी कुछ भी हो, टोपोलॉजी होती है। ये टोपोलॉजी है, बोलेंगे जी सर है, फाइव और एक्स है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। बोलेंगे किसी के साथ किसी का इंटरसेक्शन कर दो, इनका और इनका इंटरसेक्शन से आता है बच्चों बी, इसी के अंदर है, इसका इंटरसेक्शन करूंगा इसके साथ तो क्या रहेगा, बी, इसका इंटरसेक्शन करूंगा इसके साथ क्या रहेगा, बी, इसी के अंदर आया ना, इनका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे तो खुद ही आता है, तो ऐसा करना तो जरूरी है भी नहीं, समझ आ गया। तो ये इंटरसेक्शन तो हो गया, अब यूनियन करके देख लो, इसको मैं इसके साथ मिलाऊंगा तो क्या आएगा, इसी के अंदर चल जाएगा। यूनियन में चीजें क्या होती हैं, बड़ा सेट खुद आता है, इसको मैं इसके साथ यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, खुद ही आएगा सर, बोलेंगे ओके बच्चों। तो ये इन सबका यूनियन करूंगा, इनका करूंगा, दोनों का तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से इंटरसेक्शन कर लो, किसी भी तरीके से यूनियन कर लो, चीजें क्या हो आएंगी, इसी के अंदर आएगी। इट मींस दैट ये भी क्या है, टोपोलॉजी है। एक दो तीन चार पांच जितना हम लोगों ने लिखा था, हालांकि ये दोनों चीजें पहले बता दिया गया था, तो बाद में जो लिखा था बच्चों उसमें से केवल और केवल दो टोपोलॉजी है और जो है सॉरी तीन टोपोलॉजी है और दो टोपोलॉजी नहीं थे, तीन टोपोलॉजी नहीं था, है ना, एक टोपोलॉजी था, दो टोपोलॉजी था, तीन टोपोलॉजी था, छह लिखा था, छह में से कितने थे, तीन टोपोलॉजी और तीन टोपोलॉजी नहीं थे। क्या आप लोगों को अब टोपोलॉजी समझ आ गया, याद कर लिए, भूलोगे तो नहीं, ठीक है, बेसिक को एकदम अच्छा से पकड़ते चले जाएंगे। मैं नॉन एम्प्टी सेट बच्चों मैं ले रहा हूं, उसको ध्यान से पकड़ना, ए वन टू और थ्री, वन टू थ्री मैं कुछ भी ले सकता हूं और फोर मेरे को बच्चों इसके लिए जितने विद्यार्थी हैं उतने का हर एक एक का क्या आना चाहिए, एक एक टोपोलॉजी आना चाहिए। आप लोग एक एक टोपोलॉजी बताओ, एक टोपोलॉजी मैं बताता हूं, है ना, और टोपोलॉजी मेरे लिए क्या है वो है बच्चों, एक तो ऐसा बोल देता हूं वन नंबर का टोपोलॉजी जिसे मैं बोल दिया टाउ वन, और उसमें क्या होगा बच्चों, एक तो फाइव होगा और एक क्या होगा, एक्स होगा। अच्छा, इसको बताने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले पावर सेट बना दीजिए, अगर नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, बिना पावर सेट बनाए सब सेट निकालना है, कुछ 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 बनाना है, तो ये टोपोलॉजी एक होगा और दूसरा टोपोलॉजी क्या हो जाएगा, जो है सारे का सारे सबसेट को मिला देते तो वो सबसे बड़ा टोपोलॉजी होता। चलिए आप लोग टोपोलॉजी बनाना स्टार्ट करें और एक एक टोपोलॉजी आपको बना के देखना है, गलती होगा तो डरना नहीं है, ठीक है।
जिनका जिनका बन जाएगा वो मेरे को आंसर देंगे सर, हमारे सारे बच्चे हैं। तो भूमिका का आंसर एक तो बता देना, भूमिका क्या लिखी है? 5 1 3 4 1 3 4 एक साथ, उसके बाद 2 3 4 2 3 4 और फिर 3 4 फिर 3 4 1 2 1 2 x है टोपोलॉजी। क्योंकि किसी का किसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? 3 4 आएगा, ठीक है। और ये आपका 2 3 अगर नहीं डालते तो भी क्या मेरा आंसर होता? बोलेंगे हाँ, तो भी टोपोलॉजी बनता, इसकी जरूरत नहीं होती मानो, तो भी टोपोलॉजी बनता है ना। तो इसका टोपोलॉजी को तुम लोग को देखने के लिए क्यों बोला गया? ताकि आप जो है समझो करके, है ना। तो ये इसका हो गया, किसी और का आप बता सकते हो? वरुण अपना टोपोलॉजी बताइए, आप क्या बनाए हो? 5 रखना ही है, सिंगलटन 1 2 3 अलग से सिंगलटन ना, फिर 1 2 1 3 2 3 ये आपका नहीं है अभी, और बचाइए 1 2 3 वेरी गुड 1 2 3 फिर से अभी विचार कर लेंगे, एक्स भी है ओके। हाँ रुक जाओ, हल्ला नहीं सोच लेना अभी, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये टोपोलॉजी है या न कहने का रीजन पहला तो आता है 5 और x होना चाहिए, हो गया ठीक है बच्चों। इन दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन बनेंगे तो सिंगलटन का इंटरसेक्शन 5 होता है, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ लिया। किसी बच्चे ने बोलेगा इसके साथ करोगे तो वो खुद रहेगा, इसके साथ करेंगे तो खुद रहेगा, इसके साथ इसको करेगा तो खुद रहेगा राइट। मैं दोनों का यूनियन कर करके देखा तो भी आ रहा है, किसी को भी किसी के साथ यूनियन करोगे तो आ रहा है, ये तो अभी समझ आ गया, यहां तक समझ आता है आपको, है ना। अगर मैं इनको यूनियन करूंगा तो सबके सब एक बार भी आ रहा है, ये भी सही है, आया ना सबके साथ एक साथ यूनियन आ रहा है, ये भी सही है। हर हाल में इनको और इनका यूनियन करेंगे तो भी 1 2 3 आएगा, सही बात है। अब यूनियन किसी भी तरीके से कर लीजिएगा तो भी क्या आएगा? आएगा ही आएगा, मतलब ये टोपोलॉजी है, कोई नहीं रोक सकता इसको, ओके सही है। अब आप अंजू बताइए, आपके पास हम चेक नहीं कर पाए थे, अपना आंसर बताइए। 5 2 3 1 3 सिंगलटन 3 1 2 3 1 2 3 और x, टोपोलॉजी है बच्चों, वेरी गुड है, क्योंकि 5 और x है, बोलेंगे जी सर मैं इन दोनों का अगर पकड़ा हूं, कोई भी किसी को रेंडमली इंटरसेक्शन करना था तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 3 आएगा, सही बात है। और मान लो यूनियन करूंगा इन दोनों विचारों का तो क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, सही बात है, मतलब ये टोपोलॉजी होंगी, गारंटी है, और x तो सबको मिला के रखता है, ठीक है। चलिए मधु अपना बताइए, आप 5वां नंबर का है ना, क्या है आपका टोपोलॉजी, है ना? ओके 5 1 2 2 3 सिंगलटन 2 और x, टोपोलॉजी है बच्चों ये जिसने कहा? टोपोलॉजी नहीं है, टोपोलॉजी नहीं है, नहीं है बेटा, क्योंकि यूनियन इसका 1 2 3 एक साथ और आना था इसको, क्या आना था? ये टोपोलॉजी नहीं हो पाएगा इसका, अगर 1 2 3 एक साथ और रखा होता तो इनका यूनियन में आ जाता है ना। तो मिस्टेक्स अपनी चेक करनी है। प्रिया आपना बताइए आप, ओके रुक जाओ, ये हमारा 6 नंबर का है ना, और अभी सबको नहीं पूछेंगे, और इतना ही पूछ रहा हूँ, सब अपना अपना बता चुके मान के चलेंगे, है ना। फिर जो हमारे बच्चे अभी क्लास नहीं आ पा रहे हैं, बाद में हमारे पास क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी अटेंड करेंगे उनको समझ आना चाहिए जो हमने बात किया है ना। चलिए इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, उनके सामने भी रख रहे हैं। तो 5 एंड बताइए आगे, इसको मैं थोड़ा सा 1 2 3 लिख देता हूँ, ये मेरा आंसर था 2 3 ओके 2 3 2 4 सिंगलटन 2 ओके 2 3 4 2 3 और x। देख लो बच्चों आप सभी इसका, इसने जो टोपोलॉजी बनाया उसको चेक कर लो आप लोग, क्या टोपोलॉजी है? बोलेंगे 5 और x है गुरुजी, ठीक है पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। बोलेंगे ये जो सेट लिया गया इनका इंटरसेक्शन करके पहले दिखा जाए, तो इनको इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा। और सिंगलटन वाले को तो किसी के साथ भी कर लो, वो जो है अपने आप को कुछ नहीं आएगा तो 5 ले आएगा, या फिर उन्हीं के अंदर से निकाल लेगा, ये खुद को करेगा तो इसके खुद आएगा, खुद ही आएगा, और यहां से आएगा तो खुद ही आएगा, यहां से आएगा तो खुद आएगा, सिंगलटन सेट खुद ही आता है,
और किसी के इंटरसेक्शन से निकल रहा है मतलब वो आएगा ही आएगा। और इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 4 आएगा। इनका करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 आएगा, खुद आएगा क्योंकि इसका सबसेट के अंदर है ये, सॉरी सबसेट है वो। अब इनका सबका यूनियन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 4। और ये जो है हर मामले में क्या है, खरा उतर रहा है आपके कॉन्सेप्ट में, इसलिए ये टोपोलॉजी है बच्चों। बात क्लियर है? ठीक, तो ये इस प्रकार से हम लोग को टोपोलॉजी समझना था। आई होप कि आप लोगों ने टोपोलॉजी समझा और आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस में लाना है क्योंकि एग्जाम में आएगा, क्या आएगा, विथ एग्जाम्पल या फिर ऑब्जेक्टिव, और आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा कि कौन टोपोलॉजी है या नहीं है। और कई बार तो इतना सिंपल पूछ दे बच्चों, उसमें क्या करेगा, फाई छोड़ देगा, टोपोलॉजी नहीं है बोलेगा। तो क्या करना है, पहले तो वही खोजना है, फाई जिसके पास नहीं होगा, एक्स जिसके पास नहीं होगा, वो टोपोलॉजी नहीं है वाला है कि नहीं। और हो सकता है जिसमें बोथ दिया हो ऑप्शन, तो 2 बार चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन और है ऐसे करके, है ना। तो मेरे ख्याल से आप सभी जो है टोपोलॉजी को अच्छे से समझ चुके हो। मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, ये मेरा टोपोलॉजी का परिभाषा हो गया और आप अपने तरीके से भी याद कर सकते थे, याद करके रखेंगे और कल आपके कॉपी में होना चाहिए। हर दिन अपना फेयर कॉपी साथ लाएंगे, अपन चेक करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। और ये हमने परिभाषा और लिखा बच्चों, द पेयर दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, या फिर मैंने अलग तरीके से इसको लिख दिया है, टोपोलॉजिकल स्पेस का परिभाषा बोलेगा तो अननोन एम्प्टी सेट एक्स टुगेदर विथ टोपोलॉजी टाउ, या फिर देयर टोपोलॉजी टाउ, ऐसे लिखा देयर टोपोलॉजी टाउ, दैट इज दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, उसी चीज को हमने डबल लिखा है ताकि अच्छा हाईलाइट कर पाए। ये है हमारा क्या है बच्चों, एग्जाम्पल, और जहां पर हमने एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया है, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी ले लिया, और नोन एम्प्टी सेट में पावर सेट बना दिया हम लोगों ने, क्या पूरा का पूरा पावर सेट बना दिया जिसमें फाई और एक्स क्या होते हैं। अच्छा, ये सबसेटों को बोलते क्या हम लोग, इन सबसेटों को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, तुच्छ उप समुच्चय, और इनको उनके अलावा जो बताते हैं उसको उचित उप समुच्चय बोलते हैं। फाई और एक्स सबका उप समुच्चय होता ही है, हर किसी पर फाई और स्वयं होता है, नॉन एम्प्टी होगा तो, है कि नहीं। तो ये तो क्या होएगा, पावर सेट है, ये सब चीज बता दिया आपको समझाने के लिए था। और हमने एक टोपोलॉजी टावर खुद कहा इसको, अच्छा ये पावर सेट नहीं है क्या, मेरे ख्याल से पावर सेट नहीं है, टोपोलॉजी बनाया गया है, ए बी सी और सिंगलटन ए बी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 खुद पावर सेट ही है, ये टोपोलॉजी है, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अच्छा, अगर यही जो है वेरीफाई कीजिए कि टोपोलॉजी है या नहीं है, और 2.5 नंबर का प्रश्न है, क्या नंबर का प्रश्न है ये, 2.5 नंबर का आपका प्रश्न आता है तो एक पेज में लिखना होता है, उसमें आंसर क्रमांक पहले से डाला होगा। और आप लोग जो है मेरा इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है वो जरूर देखें कि कैसे नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एमएससी में, बीएससी की तुलना में अलग होगा, कैसे नंबर आएंगे, कैसे कैसे सेक्शन बटा होता है करके, बीएससी की तुलना में लाख गुना सरल होता है, सेक्शन की बात कर ले तो भी, कुछ भी बात कर ले तो भी। तो ये 2.5 नंबर में आएगा, वेरीफाई दैट गिवन कलेक्शन इज टोपोलॉजी और नॉट, ऐसे बोलेगा तो क्या करेंगे, वेरीफाई करने का तरीका, वी कैन सी दैट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ फॉर दिस करके, और बोल सकते हैं दैट इज करके, tau given tau 1 is closed under intersection बोलेंगे आप लोग, है कि नहीं, finite intersection, आगे बढ़ा तो ये सब चीज मिल पा रहा है। और फिर आप यूनियन करके देखेंगे तो ये ना, ये लिखने के लिए, समझाने के लिए बच्चों को मैंने इस्तेमाल कर लिया था, तो अपने कॉपी में शायद उन लोगों ने लिख लिया था, फॉर दिस वी कैन ऑब्जर्व दैट, इसने जो कहा ना फॉर एग्जाम्पल के लिए, मान लिया आप कुछ भी बोलेंगे फॉर एवरी, इसको ऐसा ना लिखकर इतने को क्या बोलते हैं, फॉर एवरी सबसेट देयर एग्जिस्ट इंटरसेक्शन, ऐसा बोलते हैं, या फिर बोलते हैं वी कैन सी दैट tau इज क्लोज्ड अंडर, बोलेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन, फॉर एग्जाम्पल 2 3 फटाफट बताना पड़ेगा, इस प्रकार से सबका आता है बोलेंगे, सबको तो नहीं लिख पाएंगे, अगर जगह होगा 2.5 नंबर में तो बिल्कुल लिख देना फटाफट, जितना जगह बन पाएगा सबका इंटरसेक्शन करके फटाफट लिख देना, जितना बन पाएगा कर देंगे आप लोग, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, इट मींस दैट tau इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, इसी प्रकार से यूनियन को भी बना सकते हैं। तो बच्चों को समझाने के लिए मैंने उठाया था पिछले वर्ष G1 और G2 अलग अलग सेट, आप यूनियन कीजिए, इंटरसेक्शन कीजिए, हर चीज यहां पर आते हैं, इसलिए ये क्या है टोपोलॉजी, वेरीफाई करने के लिए ऐसा किया जाता है, ऐसा बोला अगर आया प्रश्न वेरीफाई कीजिए करके, तो ये टोपोलॉजी, और ये टोपोलॉजी के क्या है एग्जाम्पल है, आ गया तो विद एग्जाम्पल ऐसे लिखेंगे। अच्छा, तो एग्जाम में केवल और केवल 1.5 नंबर क्वेश्चन होगा तो क्या लिखेंगे फिर, 1.5 नंबर में आपके पास जगह कम होता है, याद रखना कितना जगह रहेगा, केवल और केवल 4 से 5 लाइन रहेगा, सिंपल सा आंसर क्रमांक डला रहेगा, आपको गलती नहीं करनी है। क्या लिख रहे हैं, टोपोलॉजी का हेडिंग और फटाक से परिभाषा, और एग्जाम्पल में एक्स एंड सीधा कलेक्शन कोई ना कोई एक आठ हो, भूल गए तो इसको लिख दो भाई टोपोलॉजी है, भूल गए तो क्या करेंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी लिख देना, सबसे बड़ा टोपोलॉजी आप नहीं भूलेंगे फिर, है ना। डिस्क्रीट से अच्छा है कि आप क्या करें वो तीन तीन वाला कहने का मतलब ये होगा और क्या होना चाहिए एक ठो, इसमें सिंगलटन सेट एक आठ ठो ए डाल देंगे, एक कहने का मतलब 1 2 3 डाल देना, कुछ भी डाल देना, तो बन जाएगा टोपोलॉजी, डरने की जरूरत नहीं है आप लोग को,
है ना। तो ऐसा डेढ़ नंबर का क्वेश्चन होगा, ढाई नंबर का होगा, तो ये खुद वेरीफाई कीजिए करके आएगा। आपको जैसा प्रश्न पूछेगा वैसे आपको नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़े हम लोग, फिर क्या परिवर्तन करेंगे आप लोग को दिखेगा, ठीक है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का डेफिनेशन लिखे, ऐसे बोलेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों ये जरूरी लिखना है आपको, लेट एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट माना कि, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे अ टोपोलॉजी, अ मतलब एक टोपोलॉजी, अ टोपोलॉजी ऐसे बोलना है बेटा आप लोग को, धीरे धीरे सुधारना है, अ टोपोलॉजी टाउ ऑन एक्स इज सेट टू बी, इज सेट टू बी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्या कहेंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, क्योंकि हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं जिससे पहला क्या है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, है ना। तो उसमें क्या कहा, एक्स नॉन एम्प्टी सेट, जरूर कहेंगे ऐसा, अ टोपोलॉजी टाउ ऑन एक्स इज सेट टू बी डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन दैट सेट एक्स इफ इफ इट इफ इट कंटेन, कंटेन मतलब शामिल करना, इफ इट कंटेन ऑल सबसेट सबसेट्स ऑफ एक्स, That's it, खत्म, ऐसे बोल रहे बेटा। तो आप लोगों को बोलने की शैली सुधारनी है तो लिखने का तरीका भी इसी में आ जाता है, फिर जैसा आप सोचते हैं वैसा बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, तो आपको सही सोचनी है, सही बोल पाओगे, जो सही बोल पाओगे वो सही लिख पाओगे, फिर कभी नहीं गलत होता। इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये जो हमारा एजुकेशन का कौन सा नियम है बच्चों, ये सब साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस होती है, तो जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, वैसे ही लिखेंगे। जो अच्छा सोच नहीं सकता वो अच्छा बोल नहीं सकता, और जो अच्छा बोल भी नहीं सकता वो अच्छा करेगा क्या फिर, इसलिए अच्छा सोचनी है, अच्छी बोलनी है, फिर अच्छी अपने आप जो है लिखा जाएगा फिर। तो लेट एक्स इज नॉन क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, अ टोपोलॉजी एक्स ऑन, सॉरी अ टोपोलॉजी टाउ ऑन एक्स इज सेट टू बी डिस्क्रीट टोपोलॉजी इफ इट कंटेन या फिर कंसिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, देन आपने ऊपर में कह दिया तो देन कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विद एग्जांपल बच्चों, यहां पर एग्जांपल देंगे, जैसे कि हमने पकड़ लिया, छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। x इक्वल टू मैं क्या बोल दूं, ए बी बोल देता हूं, ये आपका ए बी है, और इसमें टोपोलॉजी बना लेते हैं जिसमें फाई होगा, है ना, फाई के साथ मैंने ए लिख लिया, मैंने बी लिख लिया, और मैंने क्या लिख लिया, ए बी भी लिख लिया बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा एक्स यही है, एक्स ए क्या है, ए बी को ही क्या कहते हैं, एक्स, फाई है, एक्स है, सब चीज है, क्या है ये, क्या पावर सेट ए बी का केवल इतना ही बनता है, बोलेंगे जी गुरुजी पावर सेट में क्या आएगा, टू की पावर टू बराबर चार सबसेट आते हैं, चारों चारों हैं, कुछ नहीं, सिंगलटन एक सिंगलटन जो है बी और ए बी मतलब एक्स खुद, तो ये हो जाएगा उसका क्या है एग्जाम्पल। तो ये टोपोलॉजी क्या होगा, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा, और इसी प्रकार से इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम टू सेम बोलेंगे, यहां तक लिखेंगे Said to be indiscrete topology, यहां पर बदल जाएगा, said to be indiscrete topology if it contain only phi and x, if it, यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर if, ये सब लिखेंगे, और यहां से बात क्या लिखेंगे, if it contain, हालांकि ऐसा ही शुरुआत होगा, if it contain या फिर consist, दोनों शब्द सही हैं, contain contain namely, पहला क्या है only two sets में क्या होगा, कंटेन ओनली, ऐसा बोल देंगे तो ठीक है, कंटेन ओनली फाई एंड एक्स, दैट इज आप बोलेंगे इस प्रकार से बना देना और साथ ही लिख देना उसको, दैट इज आप क्या करेंगे, फाई एंड एक्स, दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो क्या इसकी परिभाषा भारी भरकम है, नहीं, हम लोग तो अभी बच्चों, हमारे बच्चे जो है बहुत सारे हिंदी वाले हैं, तो उनको अंग्रेजी अब धीरे धीरे समझ आएंगी, और आपका हर दिन यही पढ़ना है, तो आपको बोलना आएगा, लिखना आएगा, हर चीज आएगा, टेंशन फ्री रहो, क्योंकि ये इतिहास से चला आ रहा है, आपके सीनियर सुपर सीनियर हमने और आपके शिक्षकों ने भी ऐसे ही पढ़ाई किया है, तो आपको थोड़ा मेहनत करनी है और मजा आएगा आपको पढ़ने में। दूसरा मैंने टॉपिक लिखा है बच्चों, वो है क्या आपका वीकर टोपोलॉजी, क्या है, वीकर या फिर बोलूंगा स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले फिर से क्या लिखा जाएगा, लेट ये नहीं छोड़ेंगे, लेट एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ओके, नॉन एम्प्टी सेट, अ टोपोलॉजी है ना, ऐसा हो गया, तो यहां चलो करना, अ पूर्ण विराम डाल दिया, तो अ टोपोलॉजी
टोपोलॉजी, या फिर ऐसे बोलते हैं ये क्या है एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, तो आप बोलेंगे एंड लेट, और बोल देता हूं एंड लेट ये आपका टाउ वन एंड टाउ टू, टाउ टू बी टू टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजी पकड़ना है, वहीं से एक स्ट्रॉन्ग होगा एक क्या होगा वीकर होगा, टू टोपोलॉजी टोपोलॉजीज, ये फिर ऐसे करेंगे बहुवचन है तो ऐसा आता है टोपोलॉजीज ऑन एक्स, ठीक है ना, इतना हो गया ना, माना एक्स क्या है बच्चों नॉन एम्प्टी सेट है, और फिर मान लिया टावर और टाटू दो टोपोलॉजी है कहां पर एक्स पर, तो अब यहां पर बोलेंगे देन टावन, टावन इज नॉन एस, नॉन एस वीकर देन, ये आपका वीकर देन, वीकर देन क्या बच्चों वीकर देन टाउ टू या टी टू, इफ करके बोलेंगे क्या इफ बोलेंगे टाउ वन जो है बच्चों लेस देन बोलेंगे, या फिर ऐसे बोलेंगे, और क्वेश्चन देन भी इसी को बोलते हैं याद रखना, क्वेश्चन का मतलब छोटा, ठीक है, क्या हो जाएगा टाउ टू हो जाएगा, या तो ऐसा भी बोलेंगे तो भी चलेगा, देखो ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स होते हैं इसलिए कई बार जो है ऐसा भी प्रयोग करते हैं, ये जो है एलिमेंटों की व्यवस्था के अनुसार से ऐसा भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा बच्चों इसी के अंदर से क्या आएंगे टाउ टू के अंदर से टाउ वन को ऑप्टेन किया जाएगा, है ना, ये नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा होगा बच्चों, ये ज्यादा ठीक रहेगा, तो टाउ वन वीकर देन टाउ टू कहा जाएगा, और इसी प्रकार से एज वेल एज यहां पर क्या लिख देंगे इसके बाद क्या लिखेंगे एज वेल एज, है ना, इस प्रकार से आप बोलेंगे टाउ टू इज स्ट्रॉन्गर देन, है ना, टाउ वन करके बस हो गया, क्योंकि इसी में तो आ गया दोनों का सिद्धांत, अगर आपको दो बार लिखना होता तो फिर बड़ा करना पड़ता है ना, बातें समझ आई, क्या बोला एक्स क्या है आपका नॉन एम्प्टी सेट और टाउ वन और टाउ टू क्या है बच्चों दो टोपोलॉजी है कहां पर एक्स पर, देन टाउ वन इज क्या है आपका टाउ वन इज है ना नोन एज या फिर कॉल्ड इज सेड टू बी जो ही बोलना चाहे सब समझ आएगा आपको इज नोन एज वीकर देन टाउ टू इफ इट हैज द फॉर्म यदि ये इस रूप में हो ठीक है एंड एज वेल एज टाउ टू इज आल्सो नोन एज स्ट्रॉन्गर देन टाउ वन अब यहां पर बोलने की शैली लिखने की शैली मेंशन करने की कोई इसमें प्रतिबंध नहीं था सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके आपको पुस्तक की भाषा लिखनी है लिख लीजिएगा बच्चों मैं लेकिन पुस्तक की भाषाओं का प्रयोग ज्यादा नहीं करूंगा बहुत ही कम करूंगा क्योंकि जहां लगेगा कि पुस्तक की भाषा ज्यादा इजी है तो अपन उसको करेंगे या फिर उसमें और कुछ संशोधन करेंगे अच्छा ही लिखने का प्रयास करेंगे इसमें अगर बदलनी हो तो बदल सकते हो ये होना चाहिए ना वीकर टोपोलॉजी इफ पी वन इज अ लेस देन टी ठीक पर वहां पे वीकर देन की जगह वीकर टोपोलॉजी नहीं आएगा अभी भी नहीं आएगा या कैसे सेंटेंस जम रहा है बेटा टाउ वन इज नोन एज वीकर टोपोलॉजी या फिर वीकर वीकर देन वीकर टोपोलॉजी बोलने की जरूरत है कि कोई आ गया टाउ टू जो है वो टोपोलॉजी है यहाँ पर टोपोलॉजी लिखने की जरूरत है वीकर देन टाउ वन इज वीकर देन टाउ टू एंड टाउ टू इज स्ट्रॉन्गर देन टाउ वन दोनों के मैंने लिख दिया यहाँ पर इसलिए एज वेल एज का प्रयोग कर दिया समझ आया सही लिखा हूं टोपोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टोपोलॉजी है बार बार नहीं बोलते ये इससे छोटा है बच्चों या फिर इस यहां पर वीकर देन या फिर स्मॉलर देन ऐसा भी लिखा रहेगा तो भी चलेगा ठीक है या फिर फाइनर भी लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा फाइनर ओके तो बात क्लियर है हाँ तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैंने सही लिखा है भूमिका आप इसमें अपने अनुसार से संशोधन कर सकते हैं नहीं वैसे नहीं पढ़ना है टाउ वन इज नॉन एज वीकर देन या फिर वीकर टोपोलॉजी है ना देन टाउ टू है ना ऐसा या फिर करस्पॉन्डिंग टू टाउ टू जैसा भी आपको ठीक लगे टाउ टू के रिस्पेक्ट में टाउ वन क्या होगा आपका वीकर होगा और वो वाला क्या होगा स्ट्रॉन्गर होगा बात क्लियर है ना अगर यहाँ पर सेंटेंस को आपको और बदलनी है इसमें थोड़ा बहुत लगता है कि हल्का सा अंग्रेजी में इसका वो गलत है मान लो जमाने का तरीका बिल्कुल कर लीजिएगा अपने अनुसार से ठीक है ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो यहाँ पर आप जो है ये जो है ऐसे लिख सकते हो ये वीकर का मतलब ही क्या है आपका वीकर देन को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्मॉलर भी बोलेंगे
है ना, स्मॉल आर देन बोलेगा तो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्गर को ही क्या कह देगा वो, ग्रेटर देन वाला बोलेगा तो भी ठीक है, ये सब चीज समझ जाना। अब आता है बच्चों कंपेरेबल टोपोलॉजी, सेम टू सेम इसी को ही कंपेरेबल टोपोलॉजी बोलते हैं। अगर दो टोपोलॉजी है उसमें से एक को स्ट्रॉन्गर और एक को वीकर कहा जा सकता है, तो उस स्थिति में क्या कहेंगे, दोनों टोपोलॉजी कंपेरेबल है, बस है ना। टू टोपोलॉजी टाउ वन एंड टाउ टू, टाउ वन और क्या है टाउ टू, अगर ये जो है कंपेरेबल कह रहे हो, इट का मतलब क्या होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, कंपेयर का यही मतलब होता है बस। तो यही परिभाषा को ऐसे लिखेंगे हम लोग, अलग नहीं करना, परिभाषा मत लिखना बोल रहा हूं, ये आपका टॉपिक में दिया है कंपेरेबल टोपोलॉजी क्या है करके, परिभाषा पुस्तक में सिंपल से लिखा है कि यदि इसमें से एक छोटा रहा एक बड़ा रहा, मतलब कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर करते बने, दैट्स इट, समझ आया। तो ये जितने भी थे बच्चों, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, इसमें अगर आप पुस्तक की भाषा का प्रयोग करेंगे तो भी अति उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को जो समझ आया फटाफट हमने लिख दिया, कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ओके ठीक है। भूमिका उसमें और अच्छा किया जा सकता है। तो क्या आप सभी को समझ आ गया अच्छे से, स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी क्या है करके, यथा अलग अलग परिभाषा लिखा जा सकता था, आप लोग कर सकते हो, है ना, लेकिन नहीं मेरे को मजा नहीं आता, इसलिए मैंने एक साथ रख दिया, स्ट्रॉन्गर और वीकर दोनों एक साथ आ जाएगा, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी, क्या देखेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी विथ एग्जाम्पल एंड हमारा आईएमपी थ्योरम चालू हो जाएंगे कल से ही, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को रेगुलर क्लास आने हैं, तो आज के क्लास में बस इतना ही बच्चों, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।